गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टडी क्लास फिफ्थ लेसन फाइव कंप्यूटर। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स फॉर क्रिएटिंग अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक पावरफुल टूल्स है जो बहुत ही अट्रैक्टिव और इफेक्टिव प्रेजेंटेशन देता है। पावर पॉइंट में आप क्रिएट कर सकते हैं प्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके से उस डिज़ाइन के अनुसार, है ना, जो आपकी आवश्यकता हो, आपको जो डिज़ाइन की आवश्यकता होती है उसके अनुसार आप अलग अलग तरीके से वो कंटेंट डिज़ाइन कर सकते हैं। इस टेम्पलेट में वी विल डिस्कस, हम डिस्कस करेंगे इसको अलग अलग व्यू में, है ना, जो दिखाया जा सकता है। स्टार्टिंग MS PowerPoint, कैसे MS PowerPoint को स्टार्ट किया जाता है। तो हम सबसे पहले MS PowerPoint को खोलते समय क्या करेंगे, स्टेप वन क्लिक स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे। स्टेप टू में क्या करेंगे, ऑल प्रोग्राम करेंगे। फिर स्टेप थ्री में MS ऑफिस करेंगे। स्टेप फोर में MS ऑफिस PowerPoint 2007 करेंगे। ओके, फिर आफ्टर क्लिकिंग ऑन MS ऑफिस PowerPoint 2007 विल द MS PowerPoint विंडो एज द सोन इन फिगर गिवन बिलो। उसके बाद हम क्या करेंगे, MS PowerPoint 2007 को वो क्या हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद हम प्रेजेंटेशन को कैसे शुरू करेंगे। When you presentation, a new presentation will automatically appear. एक नया presentation अपने आप appear हो जाएगा। अगर आप किसी भी समय आपको new presentation की इच्छा है तो आप उसको शुरू कर सकते हैं। Step वन में क्या होता है, क्लिक द MS Office को क्लिक करेंगे और नए मीनू से न्यू चूज करेंगे। स्टेप टू में न्यू प्रेजेंटेशन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, न्यू प्रेजेंटेशन डायलॉग बॉक्स वो क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा और उसको बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करेंगे। स्टेप थ्री में क्या करेंगे, क्लिक द क्रिएट बटन, उसको क्रिएट बटन जो होगा उसको क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। नया प्रेजेंटेशन खुल जाएगा पावर पॉइंट में, ठीक है। द डिफ़ॉल्ट स्लाइड दैट अपीयर्स व्हेन यू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन इज द स्लाइड विथ टाइटल स्लाइड लेआउट, ठीक है। व्यूइंग द स्लाइड, स्लाइड जो है कैसे व्यू होता है। पावर पॉइंट अलाउ यू टू व्यू द स्लाइड्स इन थ्री डिफरेंट वेज, तीन अलग अलग वेज में क्या होता है पावर पॉइंट अलाउ मतलब दिखता है, ठीक है। द व्यू बटन आर यूजफुल एज दे कंट्रोल द वे स्लाइड्स द डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। जो व्यू बटन से वो क्या होता है, बहुत ही उपयोगी होता है। वो क्या करता है, स्लाइड को स्क्रीन पर जो डिस्प्ले होता है उसको क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। न्यू व्यू बटन एट द बटन राइट कॉर्नर, जो व्यू बटन होता है वो कहाँ पे होता है, राइट कॉर्नर में पावर पॉइंट के, ठीक है। और पावर पॉइंट व्यू एट द बटन राइट कॉर्नर ऑफ द पावर पॉइंट विंडो, ठीक है। पावर पॉइंट विंडो के कॉर्नर नीचे जो है वो तीन व्यू कमांड्स होते हैं, ठीक है। आप उसको क्या कर सकते हैं, नॉर्मल व्यू से चेंज कर सकते हैं, स्लाइड सॉर्टेड और स्लाइड सो व्यू बाय जस्ट क्लिकिंग ईच ऑफ देम। नॉर्मल व्यू में क्या होता है, दिस व्यू कंटेन्स द आउटलाइन एंड साइड्स स्लाइड्स टैब्ड पेन्स ऑन द लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट में क्या होता है, टैब पेन्स होते हैं, स्लाइड पेन इज़ द इन द सेंटर, स्लाइड पेन कहाँ होता है, सेंटर में होता है और नोट एरिया नीचे होता है, ठीक है। दिस इज़ द व्यू, दिस इज़ द व्यू या व्यू विच एक्चुअल टास्क ऑफ क्रिएटिंग द प्रेजेंटेशन इज डन, जिसमें
प्रेजेंटेशन किया जाता है। ठीक है, दिस व्यू कंटेन्स थ्री पेन्स, यह व्यू रखता है तीन पेन्स को, नेमली स्लाइड पेन, आउटलाइन पेन एंड नोट पेन। द नॉर्मल व्यू इज द डिफ़ॉल्ट व्यू, नॉर्मल व्यू क्या होता है, डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। द आउटलाइन टैब शो द टेक्स्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन फॉर इजी एडिटिंग, व्हाइल स्लाइड्स फॉर टैब शो टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑफ द बिलो। अब स्लाइड सॉर्टर व्यू कैसे होता है, कैसे वो दिखता है, कैसे वर्क करता है, आइए हम जानते हैं। दिस व्यू शो स्मॉल वर्जन ऑफ ऑल द स्लाइड्स दैट हैव बीन क्रिएटेड, यह व्यू क्या करता है, एक छोटा वर्जन होता है, ठीक है, सभी स्लाइड्स का जो कि क्रिएट किया जाता है। स्लाइड्स कैन बी डिलीटेड, कॉपीड एंड मूव्ड इन दिस व्यू, स्लाइड क्या किया जाता है, डिलीट किया जा सकता है, कॉपी किया जा सकता है और उस तरीके में, मतलब उस अनुसार क्या किया जा सकता है, उसको मूव किया जा सकता है। ओके, यू कैन नॉट ऐड टेक्स्ट और पिक्चर इन द स्लाइड सॉर्टर व्यू, बट यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ स्लाइड्स, आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो टेक्स्ट या पिक्चर को स्लाइड सॉर्टर व्यू में, लेकिन आप उसको ऑर्डर में बदल नहीं सकते, इंसर्ट कर सकते हो स्लाइड्स को, डिलीट कर सकते हो और एनिमेट कर सकते हो। ठीक है, स्लाइड शो व्यू, स्लाइड शो व्यू क्या होता है, यह व्यू शो करता है प्रेजेंटेशन को, ठीक है, फुल स्क्रीन के, और वह एक ऑडियंस को शो करता है, अपीयर कर सकता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक ठीक है, उसके बाद आगे बाद में नेक्स्ट वीडियो में सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।